आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल बदतरीन गिरावट का शिकार होकर सिफर की सतह से भी नीचे चला गया। आलमी मार्केट में ट्रेंडिंग के दौरान अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतों में 160% तक की नाकाबिल यकीन कमी दिखाई गई और WTI खाम तेल की कीमत मनफी जोन में दाखिल हो गई और इसमें मजीद कमी का सिलसिला जारी है। पीर के रोज अमरीका में तेल जखीरा करने की गुंजाइश तेजी से खत्म होने की खबरों के बाद कीमतों में शदीद मंदी देखी गई और एक दिन के दौरान 37.63 डॉलर फी बैरल की कमी हुई, जो कि 1983 की बाद से कम तरीन सतह है। दूसरी जानब ब्रेंट क्रूड ऑयल 25.62 डॉलर फी बैरल की सतह पर मुस्तहकम है, जबकि आलमी गैस की कीमत 6% इजाफे से $1.87 पर मौजूद है। कैनेडियन खाम तेल की कीमत भी $1 फी बैरल से कम हो गई है, जिसके बाद कनाडा में तेल की पैदावार बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ख्याल रहे कि रवा साल जनवरी से दुनिया भर में कोरोना बहरान के बायस तलब में कमी की वजह से तेल की कीमतें मुसलसल गिरावट का शिकार है। गुज़िश्ता दिनों तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक सऊदी अरब और रूस के दरमियान तेल की पैदावार में कमी का मुआहदा हुआ था, जिसके तहत तेल की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तेल की पैदावार में कमी करना है। मुआहदे की खबरें सामने आने के बाद तेल की कीमतों में इजाफा भी देखने में आया था। ताहम तजिया कारों का कहना है कि अब भी पैदावार तलब से ज्यादा है।